आज मैं लेने आई हूँ आम, क्योंकि हमने बनाना है मुरब्बा, जिसे हम जैम भी बोलते हैं। इसमें जो हम आम खाते हैं, जो बड़े होकर जो पकते हैं ना आम, हम वो वाले तोड़ेंगे, और जो अचारी आम होते हैं वो हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम खट्टे आम लेके जाएंगे तो फिर जो है हमारा जैम भी खट्टा ही बनेगा। क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, इसलिए इतने ज़्यादा आम नीचे भी गिरे हुए हैं। तो इतने ज़्यादा वेस्ट होते हैं ना आम जब आंधी आती है। तो अफ्तारी के लिए जो बल्ले थे वो भी गो के रख दिए थे, तो अब ये फूल गए हैं, तो हम अब इनसे दही बल्ले बनाएंगे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जैम, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग जो हैं गांव में जैम कैसे बनाते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा पानी लेंगे और अपने जो मैंगो है उनको बॉयल करेंगे। पानी जो है हम आंबों के हिसाब से लेंगे। बॉयल हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे जो उसका कड़वापन होता है, क्योंकि आम अभी छोटे हैं तो वो होते हैं खट्टे खट्टे होते हैं, तो उनकी खटास कम करने के लिए हम जो है इनको एक बार बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद हम जो उसका पानी बचा हुआ होगा ना वो हम निकाल लेंगे और मैंगो को अलग कर लेंगे। तो इसी दौरान मेरे भाई और मेरी मम्मा जो हैं वो बाज़ार गई हुई थी शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। तो सारा रास्ते से आते हुए उन्होंने फिर अफ्तारी का कुछ सामान भी ले आई थी। तो ये बॉयल हो गए, इसके अंदर जो पानी था वो हमने निकाल लिया है, क्योंकि हम खाना जल्दी खा लेते हैं, शाम को इफ्तारी टाइम ही खाते हैं, तो इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर पहले सालन बनाया, बाद में फिर मैंने सोचा कि बाद में जो है हम जैम बनाएंगे। उसके बाद हम जो है 2 कप पानी के देंगे, आधा बावल चीनी का लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें जो है वो गुड़ भी डालेंगे। गुड़ डालने से ये होगा कि ना वो गाढ़ा भी हो जाएगा और उसका जो कलर है ना वो भी सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहेगा, वो मतलब जैसा जैम का होता है वैसा ही आएगा। इसके बाद हम इसमें बॉयल किए हुए जो मैंगो हैं वो डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। अब हमारा जैम जो है वो बन गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।